गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू हिंदी। आज हम आपको हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स देखिए, ये आपकी हिंदी की बुक है। सारे बच्चे अपनी बुक जल्दी से ओपन करेंगे और आपका पेज नंबर है 35। मैंने आपको कल के वीडियो में ओ की मात्रा पढ़ाई थी और रीडिंग भी लगवाई थी। आई होप सबने रीडिंग लगाई है और सबको पता भी है कि ओ की मात्रा कैसे बोली जाती है, कैसे लिखी जाती है। ओके स्टूडेंट, चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बोल बोल कर पढ़ो। आज हम आपको बताएंगे, बोल बोल कर पढ़ेंगे। और ये जो स्टोरी है इसमें ज़्यादातर क्या है, हमारी ओ की मात्रा। तो हम इससे सीखेंगे कि हमारी जो ओ की मात्रा है वो कहाँ कहाँ है स्टोरी में, कैसे लिखी गई है। चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सोमवार का दिन था। तो सोमवार में देखिए सा सापे ओ की मात्रा है ना, तो सोमवार का दिन था। फिर क्या है, मनोज घर पर सो रहा था। तो सो रहा था, सो में भी ओ की मात्रा है। उसके घर एक चोर घुस आया, तो चोर में भी क्या है, ओ की मात्रा है। मनोज का तोता जोर जोर से बोलने लगा, तो जोर जोर में भी ओ की मात्रा है और तोता में भी ओ की मात्रा है। चोर आया चोर आया, क्या बोला, चोर आया चोर आया। तो चाचा पे ओ की मात्रा चोर हो गया है ये। तोते की आवाज़ सुनकर चोर डर गया, और तोते फिर तो में ओ की मात्रा है। तोते की आवाज़ सुनकर फिर से चाचा पे ओ की मात्रा चोर आ चोर डर गया। मनोज ने तोते को दालमोट व समोसा खिलाया। भोर हो गई, भोर भा भा पे ओ की मात्रा भोर, हा हा पे ओ की मात्रा हो ग ई। भोर हो गई, कोयल कूकने लगी। रोहन सोहन मनोज के घर आए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रोहन सोहन मनोज के घर आए। ये तीनों में क्या है, हमारी ओ की मात्रा है। मनोज की माता ने सबको कहा, शोर मत करो, घर जाकर पढ़ो। तो ये हमारी स्टोरी जो है बहुत अच्छी है। इसको हमें क्या करना है, बोल बोल कर पढ़ना है। जैसे ही आप वीडियो देखेंगे तुरंत ही आप अपनी बुक ओपन करेंगे और मेरे साथ ही इस वीडियो में रीडिंग लगाएंगे। आई होप आपको ये रीडिंग जो है अच्छे से लगानी आएगी और आप अच्छे से लगाएंगे और ओ की मात्रा को मिला मिला कर पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।